सो मैं ना चीजें कंपेयर कर लेती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना मुझे फर्क पड़ रहा है। ये भी मेरी बहुत प्यारी सी कढ़ाई, ये जो कढ़ाई है 22 सेंटीमीटर की है, ये चमचे गहरे वाले चमचे हैं ये भी। तो ये जो चीज़ है ना, काफ़ी सही प्राइस पर मिल गई है मुझे, 308 रुपये या 310 रुपये का था ये, और इसमें 5 का सेट है, डिफरेंट टाइप के टोंग्स है। वो कारण ये है कि जैसा अपने मैम ने खाना बनाया, या तो दूध निकल गया या पानी गिर गया या कुछ भी हो गया, तो वो निकला तो मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज सुबह सुबह मैंने पूरा फैलारा फैला लिया है, कुछ ऐसे काम जो कि हम लोग टालते रहते हैं लाइफ में कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन उनका मुहूर्त नहीं निकलता है, तो टाइम तो निकालने से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी बेडशीट सेट करनी थी, काफी दिन से ना बहुत ही ज्यादा ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो रही थी और मुझे अपने टाइम पर कोई भी चीज नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर ना ये जो बेड है, बेड के साइड में ही ये स्लाइडिंग वाला बॉक्स टाइप का है जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें मैं सारी की सारी अपनी बेडशीट्स रखती हूँ। तो कुछ बेडशीट तो नीचे छिप गई थी जो मुझे इतने दिनों से बिछाई नहीं रही थी, मिली नहीं रही थी, जो ऊपर ऊपर वाली थी बस मैं वही यूज कर रही थी। तो आज मैं ढंग से अरेंज करने वाली हूँ। ज्यादातर हम लोग कॉटन बेडशीट ही यूज करते हैं, एक दो मैंने कहते हैं मोटी वाली बेडशीट ले रखी है। यहाँ पर जो पिलो कवर दिखा रही हूँ ना आपको, ये मैंने एक्स्ट्रा ले रखे हैं, जो बैक साइड में मैं पिलो लगाती हूँ उनके साथ मैं ये पेयर अप कर लेती हूँ, मैचिंग के साथ मिलाकर काफी हेल्प कर जाते हैं। इस टाइप के एक्स्ट्रा जो पिलो कवर है आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे, आप इसे ना किसी भी लुक के साथ पेयर कर सकते हो, तो काफी इनहेंस हो जाता है जो लुक है। तो यहाँ पर मैंने सारी बेडशीट जो है सेट कर दी है, ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके वो वाले काम करूंगी जो मैं काफी दिन से पेंडिंग चल रहे हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में क्योंकि मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, थोड़ा सा रूम का लुक चेंज करना था। काफी दिन से ये वाले लुक से बोर सा फील हो रहा था, बीच बीच में चेंज करते रहते हो ना अगर आप अपने रूम का लुक, तो बहुत अच्छा फील होता है, खुद को मोटिवेट होते हो आप खुद के लिए और खुद को बड़ी खुशी सी मिलती है। तो सुबह सुबह वो वाले काम करो जो आपको खुशी देते हो। और मुझे ना डेकोरेशन का बहुत ज्यादा शौक है और ये सारी चीजें मुझे बहुत खुशी देती हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लुक चेंज किया और उसके बाद रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जैसे कि मौसम भी चेंज हो गया है, तो मौसम के हिसाब से भी अगर चीजें चेंज कर ली जाए तो खुद को बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर मैंने ना अंदर रख रखे थे जितने भी ब्लैंकेट हैं, रजाई हैं या बेड कवर है, तो मैंने आज निकाला अपना नया बेड कवर, मतलब नया क्या है, पिछले साल का है, तो वो इस वाले लुक के साथ बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो जितनी भी रजाइयां हैं, बेड कवर हैं, वो सब मैंने ना इसी तरीके से कवर में करके रखे हुए हैं। तो ड्राइकलिंग करवाने के बाद मैं इन्हीं में रख लेती हूँ, मीशो से परचेज किए थे। तो यहाँ पर मेरा जो विंटर फॉल लुक है वो रेडी हो गया है। और आज ना गीजर ठीक करने वाले भैया भी आए थे, 2-3 दिन से गीजर ठीक नहीं है, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है और मौसम जो है काफी चेंज हो गया है। अगर इसी तरीके से मैं नहाती रही ठंडे पानी से ना, तो बीमार जरूर पड़ जाऊंगी, तो इसको ठीक कराना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझे ना विंटर में इस टाइप की कोजी वाइब्स बहुत पसंद होती हैं, जो एकदम कोजी कोजी सा लुक आता है ना, कि ब्लैंकेट डाल लो, रजाई डाल लो और एकदम कोजी वाला जो लुक आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ विंटर जो है सबसे बेस्ट है। सारे मौसम एक तरफ, विंटर एक तरफ, विंटर का जो मज़ा है ना रजाई में घुस के बैठने का, वो अलग ही, और गरम गरम कॉफ़ी पीने का, अदरक वाली चाय पीने का, हॉट चोको मिल्क पीने का, जो कि कशिश को बहुत फेवरेट है। कशिश जब आएगी ना दिसंबर में छुट्टियों में, तब बस उसका यही रहेगा, मम्मी मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना दो, मम्मी मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना दो। वो कारण ये है कि जैसा अपने मैम ने खाना बनाया, या तो दूध निकल गया या पानी गिर गया या कुछ भी हो गया, तो वो निकला तो ऐसे साफ नहीं होगा। मैडम ने कहा ठंडे पानी का कपड़ा लिया, मारने लग गए, तो वो गर्म ठंडा कंडीशन वो हो जाती है, गर्म गिलास पे ठंडे पानी का कपड़ा नहीं मारना, वो करते नहीं, वो तो हम नहीं करते, हमें भी मालूम है, हाथ जल जाएगा, हाथ जलेगा, नहीं तो फिर और चीजें भी, वो तो ऑब्वियसली कॉमन सी चीजें बहुत लोग नहीं करते। लेकिन और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, क्यों टूटा ये? मैम और सेकंड ऑप्शन इसमें और कोई नहीं, कुछ गिरे तो है, बाकी और कोई सेकंड ऑप्शन खाना बन, कुछ भी गिरा हुआ नहीं, अगर गिरा होता तो ऐसे टुकड़े आपको उसी वक्त वहाँ पे मालूम पड़ता है चीज गिरी, वो तो हमें, वो तो आते देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंडीशन है ना, ये कवर हो जाएगी, आपको गिलास बिल्कुल अलग हो जाएगा, नॉर्मल ग्लास की तरह। बर्नर हटेंगे, ये दो पेच होते हैं, ऐसे सब में पेच होंगे, ये नोब हटेंगे, ठीक है, फिर ये गिलास अलग हो जाएगा, वारंटी में आएंगे, एक साल के अंदर इसमें कुछ भी होता है सब चीज वारंटी में।
ये चीज एक बार बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी, बस ग्लास चेंज होगा। हाँ मैम ग्लास चेंज होगा, बाकी आपको तो क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए जिनके घर में ये हॉब लगे हुए हैं भैया, बता दोगे कुछ? मैम उनको ये है कि जैसे आपने खाना बनाया, कुछ भी बनाया आपने गैस पे, गिलास आपका गर्म हो जाता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, सफाई करना है तो आप सूखा कपड़ा ले सकते हैं, उसको सूखा कपड़ा लेके चारों तरफ आप मार सकते हैं। ठंडा नहीं मार सकते, ठंडा मतलब होता है ठंडा पानी में भिगो के आप मारते हैं। हाँ, वो ठंडा होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, उस कंडीशन में आपको एक काम करना है, आधे घंटे या एक घंटा आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप ठंडे पानी का कपड़ा लीजिए, जैसे साफ करना है वैसे साफ कर सकते हैं। नहीं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गर्म ठंडा का जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि गर्म गिलास पे ठंडे पानी का कपड़ा मारते हैं, उस कंडीशन में एक साल दो साल तीन साल कभी भी गिलास हो सकता है, चाहे आप घर में हो या तो ना, वो थोड़ा 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 होता है। हाँ, वो आपको दिखेगा नहीं पर वो इनसाइड ना होता रहेगा, वो कुछ मतलब आपको कंडीशन ये हो जाता है कि आप घर में हो या नहीं हो, पीछे से आए तो टूटा हुआ, खाना बना रहे हो नहीं बना रहे हो, इसमें आपको कहीं भी कोई निशान नहीं दिखेगा, जैसे अब नहीं दिख रहा ऐसे कोई निशान नहीं दिखेगा। मार्केट आई थी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई देखने के लिए, वैसे मैं 10-15 दिन से रिसर्च कर रही हूँ कि किस ब्रांड की कढ़ाई अच्छी रहेगी, और मुझे विनोद की कढ़ाई इसलिए पसंद आई क्योंकि यार मैं विनोद का कुकर भी यूज कर रही हूँ और उसकी स्टील काफी अच्छी निकली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ही चांस दिया जाए बनाने के लिए। तो वो ठीक बनाने के लिए ये कितने की है वैसे? 2300। ये इंडक्शन, ये वाली इंडक्शन पे चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी, इसका तो फ्लैट सरफेस नहीं है फिर भी चल जाएगी? नहीं चलेगा मैम। हाँ ये परफेक्ट लग रहा है, मैं तो मैंने देखी तो खैर हर तरह की है, ये वाली भी अच्छी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ना कैफ से आए थे बंदे और उन्होंने चेक वैक किया, तो दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिया है। वैसे बाय द वे वो बोल रहे हैं 10-15 दिन में चेंज होगा क्योंकि ग्लास ऐसे होता नहीं है, तो और किसी का जैसे मंगाया और उसने लगवाया ना हो तो वो अगर ऑर्डर बचा हुआ है तो वो लगा जाएंगे, अदरवाइज फिर क्या होता है ना सबके मॉडल्स चेंज होते हैं तो हर मॉडल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, वही कहते हैं साइज वगैरह, तो जो भी ये मॉडल है उसके हिसाब से इसका जो साइज है अगर उनके पास स्टॉक में हुआ तो वो जल्दी लगा देंगे, अदरवाइज 10-15 दिन लग जाएंगे आने में, क्योंकि कैब से बुलाया है तो सेम दोबारा से वही मॉडल हमारा लग जाएगा। तो दो तीन चीज़ें जो उन्होंने बड़ी अच्छी बताई हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी खाना बनाने के बाद आपको ना तुरंत ठंडे पानी से कपड़ा नहीं साफ करना है, गैस को कपड़ा नहीं मारना है, अदरवाइज वो धीरे धीरे होगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और एकदम से फिर पूरा का पूरा क्रैक हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली थी, अदरवाइज बोल रहे थे कि अच्छा है कि आपको लगी नहीं इस केस में क्योंकि कभी कभी लोगों को छटक के लग भी जाती है क्योंकि कांच टूटता है, तो अच्छी चीज़ ये रही आपके साथ। मैं कल मार्केट निकल गई थी, मेरा मन अच्छा तो था ही नहीं, आपको कुछ दिखाती हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ विनोद की कढ़ाई ट्राई प्लाई वाली, और ये वाली कढ़ाई ना पहले मेरा धनतेरस पे लेने का मन था, मैंने धनतेरस पे देख भी ली थी लेकिन उस टाइम प्राइस भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे क्योंकि धनतेरस के टाइम पे आपको पता ही है कितना दाम ऊपर रख के बोलते हैं हर कोई, और प्लस जो है क्वालिटी भी वो नहीं मिल पाती ना, साइज़ का कभी कभी दिक्कत रहता है, तो मैंने सोचा यार उस टाइम मैं ये कढ़ाई नहीं लेती, बाद में लूँगी आराम से देखभाल के, भीड़ भी उतनी होती है शॉप पे कि आपको अपनी चॉइस बताने में भी टाइम लग जाता है, तो उस टाइम तो मैं धनतेरस पे ये ले आई थी, दो ये चमचे गहरे वाले चमचे हैं, ये भी इनकी भी स्टील बहुत अच्छी निकली है और मैंने इसे एक दो बार यूज़ कर लिया है ऑलरेडी, और इस टाइप की जो सर्विस स्पून होती है ना उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती रहती है, जब कोई आता है तो गेस्ट को खाना वाना सर्व करो तो डीप वाली होती है तो सही रहता है, तो ये मुझे 150 या 160 की ईच पड़ी थी तो मैं दो ले आई थी। मैं धनतेरस पर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ही खरीदती हूँ, मैं कढ़ाई ढूंढ रही थी, मैंने एक दो शॉप पर ढूंढा तो रेट का तो कोई खास ऐसा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया, जो मुझे ऑनलाइन रेट दिख रहा था वही मुझे रेट जो है शॉप्स पे भी दिख रहा था, बल्कि एक शॉप पे मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था, फिर मैं दूसरी शॉप पे गई तो उन्होंने भैया ने सही लगा लिया, लेकिन ज़्यादा कोई बहुत बड़ा वाला फ़र्क नहीं आया, 100-150 रुपये का फ़र्क आया है बस। ऑनलाइन मान लीजिए जैसे कि 2250 की मिल रही है तो ऑफलाइन भी ना 2100 इतने तक की ही मिल रही है, मतलब 100-150 रुपये तक का ही फ़र्क है, लेकिन ये है कि ऑनलाइन में आप चीज़ छू के नहीं देख पाते और जब शॉप से लेते हो तो आप परख के ले लेते हो चीज़ को देखभाल के, साइज़ भी आपको पता रहता है, हालांकि ऑनलाइन में भी साइज़ जो है मेंशन रहते हैं लेकिन
ये है कि आप देखभाल के अपने मन से ले सकते हो चीजें। तो मैंने ये जाकर लेकर आई हूँ। ये मेरी बहुत प्यारी सी कढ़ाई, ये जो कढ़ाई है 22 सेंटीमीटर की है, इसमें 24 20 सेंटीमीटर वाली भी है। 20 सेंटीमीटर वाली जो है वो और भी ज़्यादा छोटी है। इसमें ना कम से कम दो तीन पूरियाँ एक बार में तल सकते हो, उसमें सिर्फ एक ही पूरी एक बार में तलती। सब्जी वगैरह बनाने के लिए तो सही थी वो, मुझे लग रहा था इसमें चार से पाँच लोगों की सब्जी अच्छे से बन जाएगी, और पूरियाँ भी तीन चार आप एक बार में निकाल सकते हो। तो ये मैंने 22 सेंटीमीटर में ली है, और ये मुझे पड़ी 2100 की, और यही ऑनलाइन पड़ रही थी मुझे 2250 की, कुछ ऐसे ही पड़ रही थी। तो ये ट्राई प्लाई में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, नई कढ़ाई है। आज इसमें हलवा बनाएंगे सबसे पहले, और भगवान जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो ना कभी कोई नया बर्तन लिया करो तो रीमा उसमें मीठा बनाया करो। इसके साथ ना मुझे ये भी मिला है कवर भी, ये देखिए कढ़ाई बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली। काफ़ी वेट है इस कढ़ाई में, बहुत वेट है इस कढ़ाई में, हैवी कढ़ाई है। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, उसमें से है ये पाव भाजी मैशर, या आलू वालू आपको मैश करने हो तो उसके लिए। और ये मुझे मिला है 167 रुपीज़ का, ऑनलाइन ही मंगाया है मैंने। इसमें ना पीछे वुडन का हैंडल है, तो मैं ना चीज़ें कंपेयर कर लेती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना मुझे फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि इसमें मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था, केवल 167 रुपीज़ में मुझे मिल गया ये पाव भाजी मैशर, जिसका जो हैंडल है वो भी वुडन है और ये स्टेनलेस स्टील का है। तो ये मुझे सही प्राइस पर पड़ गया था, तो मैंने सोचा इसे ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, मेरे पास था भी नहीं। और अब विंटर आ गई है तो पाव भाजी बनेगी घर में, तो उसके लिए काम में आएगा ये। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो बड़ी कमाल की मिल गई है मुझे। तो जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं उसका लिंक छोड़ दूंगी, वैसे विनोद की कढ़ाई का भी ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन ढूंढ रही थी ये, तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो ये जो चीज़ है ना, काफ़ी सही प्राइस पर मिल गई है मुझे, 308 रुपये या 310 रुपये का था ये। और इसमें पांच का सेट है, ये डिफरेंट टाइप के टोंग्स हैं जिन्हें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो टोंग है ना, ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, और हर एक टोंग जो है दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये छोटा वाला टोंग दिखाती हूँ, ये देखिए। सेकेंड है ये वाला टोंग, लीफ वगैरह उठाने के लिए, वेजिटेबल्स उठाने के लिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। और ये वाला टोंग चम्मच जैसा है, ये एक साइड से जैसा लगेगा जैसे चम्मच है और दूसरी साइड में इस तरीके से है। तो यार 300 रुपये में मुझे पांच टोंग मिल गए, वो भी स्टेनलेस स्टील के, क्वालिटी भी अच्छी आई है। मैंने यही सोच के मंगाया था अगर अच्छी क्वालिटी का हुआ ना तो मैं रखूंगी, क्योंकि क्या है ना, मैं मार्केट से जब भी टोंग खरीदने की सोचती हूँ ना तो मुझे मार्केट में महंगे मिलते हैं। एक टोंग ही केवल 200-300 रुपये का या 240 इतने रुपये का मिलता है, तो यहाँ पर मुझे 300 में यार पाँच टोंग मिल गए, इससे बेटर डील कहाँ मिलेगी। तो मैंने इसे तुरंत ले लिया, ये देखिए, ये पेटी वगैरह उठाने के लिए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने गिफ्ट में देने के लिए मंगाई हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी है, तो मैं सोची थी उसे क्या दूँ, तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। लेडीज़ वैसे भी ना किचन में ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करती हैं, और जैसे कि मुझे खुद किचन का सामानों का बड़ा शौक है, और आजकल तो वैसे भी स्टेनलेस स्टील का ही ज़माना है। मैं भी खुद अपनी किचन में धीरे धीरे करके सारा स्टेनलेस स्टील के बर्तन या फिर ग्रेनाइट वाले बर्तन ही रख रही हूँ। ग्रेनाइट वाले जैसे कैरी आउट का मैंने पैन वगैरह रखा हुआ है, तो उसमें मेरी जितनी भी टिक्कियाँ बनानी हुई या पनीर फ्राई करना हुआ तो चिपकता नहीं है, और स्टेनलेस स्टील में सारी सब्जियाँ वब्जियाँ बनाओ तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एकदम से तो कुछ भी चेंज नहीं हो पाता, धीरे धीरे ही हो पाता है, तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मेरी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। नहीं तो आपको मेरे घर में ग्लास मिलेगा, या फिर आपको मुझे मेरे घर में स्टेनलेस स्टील मिलेगा। अब मैंने मेलामिन तो बिल्कुल हटा ही दिया है ही नहीं मेरे घर में मेलामिन। हाँ, मेलामिन जो है वो बजट फ्रेंडली है, लेकिन कभी कभी अगर आप हेल्थ के बारे में सोचोगे तो मेलामिन से ज़्यादा बेटर फिर स्टील है। तो ये ना पांच का सेट है, ये हांडी पतीला सेट है जिसमें नीचे कॉपर है, वैसे ये स्टेनलेस स्टील का है, अंदर से भी स्टेनलेस स्टील का है, और इसके साथ आपको कवर करने के लिए प्लेट्स भी मिल रही है, सबसे अच्छी बात। वेट में ये लाइट है, हैवी वेट नहीं है, ये बहुत हल्का वाला स्टील है, और जो देखोगे तो अंदर से वैसे स्टील अच्छा है, कोई भी खराबी नहीं है इसे। एक ये हो गया, फिर इसमें ना हर साइज के हैं, तो ये है पांच का सेट, हर साइज का है ये, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, सबसे छोटा साइज ये है, जैसे एक बड़ी कटोरी का साइज होता है ना उतना बड़ा। तो मुझे लगा ये अच्छी डील है, और इसके साथ कवर भी मिल रहे हैं, ये रहे मतलब प्लेट्स, ये रही प्लेट्स, हर एक की प्लेट अलग अलग मिली है,
एक और बहुत अच्छी चीज मंगाई है मैंने, ये दोनों ही चीज मैंने गिफ्ट में देने के लिए मंगाई है। तो ये वाला जो मैं आपको सेट दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है। 560 रुपीज में दो बाउल सेट है ये, और मतलब ये ना इंसुलेटेड है, डबल वॉल इंसुलेटेड है, तो जो चीज आप रखोगे वो काफी देर तक गर्म रहेगी। इसका जो कवर है ना वो ग्लास का है, बड़ा ही प्यारा है यार। इसकी स्टील भी बहुत अच्छी रिसीव हुई है मुझे। ये भी आप खाना वाना बना के रखना चाहते हो किचन में तो उसके लिए बहुत अच्छा है। साइज दोनों का बराबर है, तो ये दो का सेट है। ये देखिए है ना कितना प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा ये, गिफ्ट में देने के लिए भी अच्छा है, मुझे पसंद आया। आजकल ना मैं ब्रीथ सीरीज देख रही हूँ और काफ़ी अच्छी है, अभिषेक बच्चन की है। मैंने जो फर्स्ट सीजन था ना वो भी वॉच किया था, और अब आ गया सेकेंड सीजन, ये भी काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। और मोनिका ओ माई डार्लिंग मैंने वो मूवी देखी थी, क्या सही मूवी थी, बिल्कुल ना पुरानी वाली जो मूवी के वो नहीं होते थे साउंड ट्रैक, बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किए हैं, और वैसे ही जू जू कोई आया लगता है, देखते हैं। आंटी होंगी बर्तन क्लीन करने आई होंगी।